हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, हमारे पीछे जो भर के रखा हुआ है, ये पैराग्लाइडिंग करने का जो होता है पैरासूट, वो है। और यहाँ पे देखिए, हम बैठ गए हैं गाड़ी में। और फ्रेंड्स, हमने बुक कर लिया था पहले ही ऑनलाइन देख के। और हमने ऑनलाइन वीडियो देख के देखा था कि लोग पैदल जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। ये इंडियन लोग हैं जो कि कराते हैं पैराग्लाइडिंग। और यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो यहाँ पर स्कूटी ले कर जाना संभव नहीं है। अभी ये नीचे का रास्ता है जो हम लोग जा रहे हैं, ये अभी नीचे का रास्ता है, तो ये सही दिख रहा है। ऊपर जाके रास्ता बहुत ज़्यादा ऐसे है, और बहुत हिम्मत वाले ही होंगे वो स्कूटी लेके जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाएंगी इनकी, जो पुरानी जीप वाली गाड़ियाँ और जीप होती थी ना, उस टाइप की है ये। मोटे मोटे टायरों वाली गाड़ी है। और ये देखिए, रास्ता जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ जंगल था और बीच में ना एकदम टूटा फूटा सा रास्ता था। बिल्कुल सड़क वगैरह नहीं है, गड्ढे गुड्ढे हैं इस टाइप का है, तो बहुत हिम्मत वाले ही लोग इसको पार कर पाएंगे। यहाँ जो है ना, मैं वीडियो बना रही थी, देखिए ये पूरा टूटा फूटा, बीच में दबे थे और पीछे पैराशूट रखा था, तो अच्छे से, मतलब अलग ही फीलिंग है इसकी। जो जा रहे हैं हम लोग ना, खाई वगैरह टाइप से है यहाँ पे देखिए, और मतलब अलग फीलिंग आ रही थी इस रोड पे जाने से। तो अगर करना चाहे तो जा सकते हैं, पैदल का भी रास्ता है। हमने वीडियो में देखा था, कई लोग डाल रखे थे, पैदल वाला दूर पड़ेगा तो जाते जाते ही बंदा थक जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग इनको बोलिए, ये फ्री में ही ले जाते हैं, जो आपकी बुकिंग चार्ज है उसी में जो है ये कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें लेके नीचे आए थे और नीचे से हमें लेके जा रहे हैं। फिर हमें जब छोड़ेंगे तो फिर नीचे अगर कोई बुकिंग वगैरह करा के रखेगा तो उनको लेके जाएंगे। ये टाइमिंग बता देते हैं, 10 मिनट जो है ऊपर जो है हमें घुमाते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका, हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं। और पूरी जंगल ही था, इधर कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ झाड़ियाँ थी। पता नहीं कैसे लोग पैदल जाते होंगे, कोई पतला रास्ता है उसी से ये बता रहे थे कि आते हैं, लेकिन हम लोग इसी से गए हैं। और हमारे बाद भी इन्होंने ले गए ना जिन लोगों को, वो भी जो हैं इसी गाड़ी से गए थे। पूरा जंगल अभी लग रहे हैं, कच्चा देखो ये है क्या? काजू? हाँ। काजू का पेड़ उल गया। काजू का पेड़ है, काजू का पेड़। काजू कटली। काजू कटली। इतने जंगल में काजू कटली हो? और क्या है ना? कितना है आगे है? फ्लावर देखो, लगा तो वो चले के सच्चा वीडियो बन रही है। मुझे एक मिला हो। ये देखो। अच्छा। अरे वाह, ये सही है। लो। ऊपर क्या है? ये होता है काजू? ये काजू है। अच्छा। इसको नहीं खाना, लेकिन देखो ये तोड़ तो नहीं तो। हमें तो लग रहा है कोई काजू है। ये काजू यही है, लेकिन काजू अंदर होगा इसके। कैशू नट तो वही है। अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन टाइम लग रहा है इनको पकने में, पता है। बड़ा काजू का पेड़ पहाड़ियों पे रखा है, हम आ भी गए हैं, पहुंच भी गए हैं। अंदर लंगूर बैठे, लंगूर की मंकी। बहुत दूर रास्ते, मैंने 3 दिन
अभी आ गए हैं हम जगह पे, है ना, फाइनली आप पहुंचे और इन्हीं की गाड़ी में आना पड़ेगा, इनकी गाड़ी में आने जाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक गाड़ी है, बहुत दूर है, हमें लगा नजदीक है। हाँ, एक्चुअली काफी ज्यादा ही दूर है। हाँ, यहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं आ सकती, इन्हीं की गाड़ी है। इनकी गाड़ी, देखो गाड़ी कैसी है, मोटी सी मोटी हट्टी हड्डी बड्डी। बोलेरो बैग लीजिएगा, बैग लीजिएगा। सीन भी तो अच्छा है, शांतनु को जो है यहाँ पे रेडी कर रहे थे और कुछ है इस तरह से करते हैं सेफ्टी के साथ, तो यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक भैया जो है उसको हेलमेट वगैरह डाल रहे हैं, तो मैंने यहीं से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं तो डर रही थी, लेकिन जाने के बाद बिल्कुल डर नहीं लगता है, सेफ्टी ले मतलब करके ले जाते हैं लोग। इनको भी डर है कि हाँ किसी को कुछ हो ना, और ट्रेनिंग लिए हैं ये भैया, इस वजह से ये सेफ्टी। इधर जो है फॉरेनर्स के लिए एक हैं जो कि वो फॉरेनर्स को ही कराते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का इशू होता है इंडियन लोगों के साथ, और वो जो है फॉरेनर्स अगर इंडियन के साथ करेंगे तो उनको ये होगा दिक्कत, तो इस वजह से। और इधर हमारा जो है इंडियन वाले थे जो कि इंडिया के थे, तो वो करा रहे थे यहाँ पे। और शांतनु जो है बिल्कुल डर नहीं रहा था जितना कि मैं डर रही थी, मैं माँ हूँ ना तो डर लग रहा था, और सबसे पहले यही गया हम लोगों में। उसके बाद जो है इसके पापा और देव को एक साथ ले गए, अगर वीडियो देखनी है तो बताइएगा। देव और पापा को ना एक साथ ही उन्होंने मतलब एक साथ बांध दिया इसमें और लेके चले गए वो। वीडियो देते हैं वो ना अपना, ऐसे बनाएंगे कैमरे से, है शांतनु। और यहाँ पे जो है पूरी सेफ्टी के साथ जो है करेंगे, और एक मिनट मैं फोल्ड कर रहा हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। कैमरा सेट हो रहा है, शांतनु डर लग रहा है। ओ स्लीपर नहीं निकाला लड़का, स्लीपर नहीं निकाला यार, स्लीपर नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए, ऊपर से गिरेगा नहीं, लेकिन लगता है नहीं तो पत्थर लगेंगे ना। अच्छा पत्थर लगेगा कह रहे हैं, स्लीपर डालना चाहिए। और चला गया उधर लड़का, देखो कहाँ से आ रहा है लड़का, वो रहा शांतनु, वाह आराम से बैठा, डर नहीं लग रहा है मुझे तो, मुझे डर लगने लगा यार। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आप भी करेंगे ना मजा आएगा। इसका व्लॉग का नाम पता है मुझे, बोला ये रख दीजिए ना।
बोलन एक्टी मैं भी अपने निकाल दूँ है ना लेडी कितने मिनट का होता है 10 मिनट कहाँ है उधर गया जी पकड़ा है डर भी नहीं रहा यार हटो देव हटो देव हटो सुमन सुमन सो यू डन दिस सो हाउ द एक्सपीरियंस